स्वतंत्र होता है, कैंडिडेट को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, प्रेजाइडिंग अफसर कानून से बड़ा नहीं है, प्रेजाइडिंग अफसर किसी दायरे में काम करता है, अगर कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, और वही उसी चीज़ का अधिकार का उसने प्रयोग किया है शगुन जी ने। बदकिस्मती है दूसरे कैंडिडेट को, वो बौखला गए हैं, उनको अपनी हार दिख रही है, इनका जनाधार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और इस प्रकार की घटिया हरकतें आज कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि ऐसे को मुझे लगता कि राजनीति में बीजेपी इसको कंडम करती है। पॉलिटिक्स में कहीं पे भी इस प्रकार की कोई जगह नहीं है। एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का अपने आप को इतना बड़ा नेता मानता है और बेटी जैसी दूसरी हमारी बीजेपी की कैंडिडेट जिसको ऑब्जेक्शन थी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की, और उसको अधिकार भी है, किसी भी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार होता है, कैंडिडेट दूसरा कोई उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो धक्का मुक्की पे उतरे। दोस्त आग से कोई शुरुआत नहीं की, बीजेपी प्रशासन से अपनी ऑब्जेक्शन दायर कर रही है, वो कौन होते हैं बीच में आने वाले, वो भी प्रशासन को कह सकते थे। हाँ, या तो हमारी कैंडिडेट डायरेक्ट उस पर कोई अटैक करती है, कोई आरोप लगाती है, कोई धक्का मुक्की करती है, बदतमीजी करती है, तब जाके वो कह सकते हैं।